तो नॉर्मली ये जो लैपटॉप है इसको पूरा बॉडी जो है जो बैक इसको मैंने पूरा रिमूव कर दिया है। ऑलरेडी डिस्प्ले मेरे पास है, अभी देखिए इसका वाला जो हिंच है ये टूट गया है और यहाँ पे एक हिंच अभी तक रहा है, तो अभी डिस्प्ले का कुछ नहीं हुआ है। तो देख ही सकते हो, तो प्रॉब्लम का जो है ये बॉडी वाला यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लगा है अभी और इसका तो है हिंच और वाईफाई वगैरह जो है इसका ये ब्राज़ील, ठीक है एचपी का। और ये है नया वाला, ठीक है पूरा नया है, सी पैकिंग है, एकदम चकाचक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम पूरा तरीके से असेंबलिंग करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है चलो इसको असेंबलिंग करते हैं। तो अभी देख रहे हो कि कीबोर्ड मैंने ओपन कर दिया हूँ और कीबोर्ड के अंदर जो स्क्रू है वो भी ओपन करता हूँ, बाहर का जो स्क्रू रहता है वो भी ओपन कर दिया है, इसके रेगुलेटर अभी तक नहीं ओपन है, तो थोड़ा अब ऊपर वाला जो पार्ट है इसको रिमूव करूँगा, ठीक है। तो अभी देख पा रहे हो कि इसका जो ऊपर वाला बॉडी है ये वाला मैंने ओपन कर दिया हूँ, ठीक है। तो ये वाला को चेंज करेंगे, और ये वाला तो सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका जो हिंच है, हिंच को हम चेंज करेंगे और ऊपर वाला बेजल जो है उसको चेंज। तो मैं ये वाला जो मेरे पास है अभी मैं इसको लेके आता हूँ, फिर इसका दिखाएंगे। तो अभी देख रहे हो कि इसका जो टूटा था हिंच ये वाला टूटा है, ठीक है ये वाला टूट गया है और ये वाला नया है, तो इसको हम असेंबलिंग करेंगे नया जो डिस्प्ले है उसमें, नया डिस्प्ले नहीं तो वो वाला डिस्प्ले तो यही है पुराना, लेकिन उसका जो बैक है वो वाला नया है, तो यहाँ पे है नया वाला बैक, ठीक है। तो ये चकाचक है प्रोडक्ट, एक बार देखेंगे तो नज़र लग जाएगा ऐसा, ठीक है। तो इसको तो अच्छे से असेंबलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो काम करूँगा ये तो ओपन है, एक काम करूँगा जो अगर डिस्प्ले और हिंच अच्छे तरीके से असेंबलिंग कर रहा है तो आपको जो दोनों हिंच है वो उसको रिमूव करके ये वाला जो बॉडी है फ्रंट वाला उससे पहले ये असेंबलिंग करना है, फिर इसको जो स्क्रू बाद में लगा देना है। तो हम जो है डिस्प्ले को पहले रेडी करेंगे, फिर ये वाला जो मेन हार्ड बॉडी है उस पर आएंगे। तो हमको जो करना है अभी ये जो हिंच है लेफ्ट हिंच इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। अब देख सकते हो दोनों हिंच को मैंने रिमूव कर दिया हूँ, बोर्ड से बाहर निकल गया है, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम बाहर रख देंगे, थोड़ा साइड पर रख देंगे। अब इसको जो बॉडी है डिस्प्ले वाला इसको हम रेडी करेंगे, ठीक है। तो अभी जो देख रहे हो ये डिस्प्ले जो केबिल है, डिस्प्ले केबिल बैठा दिया और यहाँ पे वाईफाई का है केबिल और यहाँ पे कैमरा है। तो अब जो हिंज है हिंज को फिट करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देख रहे हो इसका जो हिंज है पूरा असेंबलिंग हो गया है, बोर्ड फ्रंट वाला जो बॉडी है, ठीक है। तो अब जो इसका डिस्प्ले फिट कर, तो अभी देख रहे हो कि डिस्प्ले को जो पूरा लगा दिया मैंने, ठीक है, डिस्प्ले केबिल भी लगा दिया और डिस्प्ले भी लगा दिया। अब जो हिंच में यहाँ पे जो स्क्रू लगना है यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अभी देख रहे हो कि पूरा असेंबलिंग नॉर्मली हो गया है, अब जो डिस्प्ले सही से लगा कि नहीं लगा है उसको हम चेक करेंगे, चेक करके देखेंगे। तो अभी देख रहे हो डिस्प्ले तो लगा दिया, अब इसको ट्रिगर करना पड़ेगा। अभी इसको ट्रिगर करूँगा, ट्रिगर करके देखूँगा कि सही से असेंबलिंग हुआ कि नहीं हुआ, ठीक।
तो एम्पियर तो सही ले रहा है, हमें यहाँ पे टिकर करेंगे। तो मैंने तो इसका तो ऑन कर दिया है, देखिए, और इस पर डिस्प्ले भी आ गया है। तो नॉर्मली डिस्प्ले तो सही तरीके से हो गया है फिटिंग। तो इसके बाद ऊपर वाला जो ग्रेजल होता है वो ग्रेजल को सही तरीके से फिट करूँगा और ऊपर का पार्ट भी सही तरीके से लगाएगा। तो जब लगाना कंप्लीट हो जाए ना तो लैपटॉप एकदम चक्कस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ब्रेजल और नीचे यहाँ का जो कैमरा का है, देखिए ये कैमरा को चेंज करेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये वाला फ्लैश लाइट का, और यहाँ पे कैमरा है, और यहाँ पे जो है ये है मैग्नेट। ये मैग्नेट तो कहाँ चिपक गया होगा, अभी देख पाएंगे कि इसका जो डिस्प्ले है पूरा ही इसका बॉडी असेंबलिंग हो गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा काम बाकी है, यहाँ पे जो रबर होता है वो रबर को हम लगाएंगे और स्पीकर को चकाचक कर देंगे, ठीक है। ओके, डिस्प्ले जो फिटिंग कर दिया है, और यहाँ पे जो हिंज में जो स्क्रू लगता है सब स्क्रू लगा दिया, डिस्प्ले भी कनेक्ट कर दिया है, वाईफाई का जो एंटेना है वो भी वाईफाई कार्ड में जुड़ दिया है, ठीक है। अब जो करना है ऊपर वाला जो टचपैड कीबोर्ड वाला जो पार्ट है वो उसको हम असेंबलिंग करेंगे, ठीक है। अभी जो है पूरा ऊपर वाला टच वाला जो पार्ट और कीबोर्ड जो बेस ये वाला फिट कर दिया, पावर बटन भी लगा दिया, टचपैड का जो केबल है वो भी लगा दिया। अब जो है स्क्रू बैठाना है, डिविडेटर लगाना है, डिविडेटर पीछे जो स्क्रू लगा है उसको भी लगाना है अभी, ठीक है। तो इसका जो कीबोर्ड है इसको तो लगा दिया है, मतलब अब जो करूँगा इसका एक स्क्रू बाकी है ये भी लगा दिया, और जो है इसका कीबोर्ड इसको भी लगा देंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखिए कि वो का जो पत्ता होता है इसको सही तरीके से लगाना पड़ता है, एक पैर की वो अगर सही तरीके से नहीं बैठेगा तो नहीं काम करेगा और दूसरा भी प्रॉब्लम हो सकता है। जो लॉक है टक टक करके आवाज़ करता है, अगर लॉक लग गया तो आवाज़ ज़रूर करेगा, ठीक है। तो अब जाऊंगा पीछे के साइड, ठीक है। ये मिला पीछे के साइड, यहाँ पे स्क्रू है, स्क्रू को लगाना पड़ेगा अभी। तो अभी जो है पूरा स्क्रू हमने लगा दिया लैपटॉप का, कोई भी स्क्रू नहीं छूटा है। अब जो इसका जो बैटरी है बैटरी को लगाएंगे और फिर इसको ऑन करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो लैपटॉप का तो देखिए क्या कंडीशन में था और क्या कंडीशन में आ गया, ठीक है। अब इसको पावर बटन प्रेस करूँगा, अगर बैटरी में चार्ज होगा तो ऑन हो जाएगा। तो बैटरी में चार्ज है अभी तो ऑन तो हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऑन तो हो रहा है, तो ऑन तो हो गई। तो आप देखिए डिस्प्ले का क्या कंडीशन में है, तो पूरे अच्छे से
अप डाउन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लाइट है, डिस्प्ले आएगा। ठीक है, देखिए ऑन तो हो गया है, तो लैपटॉप जो है पूरे तरीके से ऑन हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा लगता है कस्टमर काम करता है, क्योंकि यहाँ पे डेस्कटॉप पे बहुत सारे आइकन हैं। ठीक है, तो इसका जो मॉडल नंबर है ये वाला दिखाएंगे आप लोगों को कि कौन सा मॉडल नंबर है। ठीक है, इसमें पीछे लिखा होगा इसका जो मॉडल नंबर है, यहाँ पे देखिए, गौर से यहाँ पे देखिए, हम जूम करेंगे, देखिए 15-825250TU, ये इसका मॉडल नंबर है। तो ऐसा अगर लैपटॉप आपके पास होगा और ऐसा अगर बॉडी कोई टूट जाता है या डैमेज हो जाता है, तो मेरा जो ये वीडियो है, वीडियो से आप देख सकते हो। ठीक है, तो मेरा YouTube चैनल देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।